फ्रेंड, अगर जो आप हमारा पीछे का बैक साइड देखे होंगे तो आपको अनुमान लग गया होगा कि अभी हम कहाँ हैं। अभी मैं बता दूं कि अभी मैं राजगीर जू सफारी में हूँ और आप ये आप जो देख रहे हैं ये पहाड़ का कुछ दृश्य है और जो ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं इसी से लोग सफ़र करते हैं, जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं इसी के माध्यम से सफ़र करते हैं। फ्रेंड, तो मैं अभी ये जो जंगल सफारी का एक गाइड है, हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के माध्यम से यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ दी गई है और कैसी यहाँ पर फैसिलिटी है, तो उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, खुद उनके ही जुबानी हम ये सुनेंगे। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता हुआ जी। गुप्ता जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार शरीफ से हूँ। प्रॉपर जी, बिहार शरीफ से। आप कितने दिनों से इसमें काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 4 मंथ्स हो गया मुझे यहाँ पे। जी जी, बिल्कुल जी। और आपका जो है इसमें मुख्य भूमिका क्या है, सर कार्य क्या है? यहाँ का मुख्य भूमिका है, यहाँ पर मुझे गाइड, टूरिस्ट गाइड के लिए मुझे अपॉइंटमेंट किया गया है, तो मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड के रूप में एक आप लोग को सक्षम देता हूँ, घुमाता फिराता हूँ मैं आप लोगों को। जी जी, बिल्कुल। और सर, आप जो है इसमें कितने विभाग में ये बांटा गया और विस्तार से आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। यह तो नीतीश जी का बहुत बड़ा देन था कि राजगीर को इतना अच्छा डेवलप किए हैं और यहाँ पे राजगीर स्टेट में, सिटी में, टाउन में, मतलब ऐसा कोई सफारी नहीं था, जंगल सफारी। और हमने कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था नीतीश जी से, नीतीश जी इतने अच्छा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और जंगल सफारी बनाएंगे यहाँ पर। और बहुत सारे युवक, बहुत सारे भावकाओं आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, दर्शक आते हैं घूमने के लिए, दूर से आते हैं घूमने के लिए पर्यटक स्थल पर। और ये काफ़ी अच्छा भूमिका यहाँ पर उन्होंने बना के दिया है, दृश्य दिखाया है। मेन रूप से कहेंगे तो यह सफारी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर गया जी। पहाड़ियों की वजह से ये सफारी घिरा हुआ है, जिसके अंतर्गत इस सफारी में बहुत खूबसूरती छिपी हुई है, जिसके अंदर घूमने के बाद इंसान को समझ में आता है प्रकोप इसका दृश्य क्या है अंदर का। यह सफारी 191.12 हेक्टेयर में बनाया गया है। यह सफारी का मुख्यतः है जानवरों का संरचना एवं वनों के बचाव के लिए बनाया गया है। दो पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण इस सफारी में 4 चांद लगती है। वो दो पहाड़ियों का नाम है वैभवगिरी, स्वर्णगिरी। ये वैभवगिरी है और ये स्वर्णगिरी, बीच में सफारी। ये आप जो बता रहे हैं ये वैभवगिरी हुआ और इस तरफ जो है स्वर्णगिरी हुआ। और सर, आप ये कितने विभाग में बांटा गया है? ये आपको 5 इंक्लूजन में बांटा गया है। एक हरिवोर सफारी है पहला, दूसरा ओमनिवोरस है, वेयर सफारी है, तीसरा कार्निवोरस है, लेपर्ड सफारी है, टाइगर सफारी और लायन सफारी। जी जी जी। तो ये आप जो बता रहे हैं ये 5 विभाग में मुख्य रूप से बांटा गया है। जी हाँ जी। कितने कितने जानवर है सर, आपको अनुमान है इसका? यहाँ पर सर अप्रोक्स हरिवोर सफारी में जहाँ पर आपको वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, यहाँ पर अप्रोक्स अगर हिरन प्रजाति की अगर आप बात करें तो वहाँ पर आपको अप्रोक्स 250 अप्रोक्स अगर दिखाई दे जाएगा। 250 जी जी। और ये आप विस्तार से और बताएं सर, विस्तार से वेयर में आपको 2 वेयर्स दिखाई देंगे और 2 लेपर्ड हमारे यहाँ है और 2 टाइगर है, 6 लायन है, वो आपको विजिबल दिखेंगे। जी जी। और सर, आप ये बताइए कि जो यहाँ पर आपको जो टूरिस्ट लोग आते हैं ये कितना किराया लगता है, कितना टिकट यहाँ पर? सर यहाँ पर सर एंट्री का आपका 100 रुपये टिकट। टिकट्स का रेट भी काफ़ी चीप कॉस्ट पे यहाँ पर दिया गया है टूरिस्ट लोग के लिए, कि उनकी सुविधा हो घूमने में और अच्छे से घूम पाएँ, इसके टिकट्स का रेट भी काफ़ी चीप दिया गया है। यहाँ पर 100 एंट्री लगते हैं यहाँ पर एंट्री करने का और 150 रुपये सफारी घूमने का, 150 जी, 150 आपका ये जो है सफारी घूमने का। जी हाँ हाँ, बस पे ट्रेवल कर। यहाँ पर अभी कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल है? यहाँ पर सर आप तो 15 गाड़ियाँ अवेलेबल है। 15 गाड़ियाँ अवेलेबल है। और सर, आपका क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार वर्मा जी। सुबोध जी, आपका इस जंगल सफारी में क्या भूमिका है सर? हम गार्ड का काम करते हैं। गार्ड के काम करते हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं? लगभग 4 महीने से कर रहे हैं। 4 महीने से कर रहे हैं। सर, यहाँ पर दर्शकों का फीडबैक कैसा रहता है, कैसा लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे बनाए गए हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी। वैसे मैं भी जिले से ही बिलोंग करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो ज़िला है यहाँ से काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, और ये सुनकर के हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ जो है जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे भी हम फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर, उनके लिए जो यहाँ पर चार्जेज हैं और उनके लिए ये बेटर सुविधा यहाँ अवेलेबल है, या यहाँ पर जो जंगल सफारी उनसे वो संतुष्ट हैं या नहीं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, एक गाइड हैं जो राजगीर जू सफारी में काम करते हैं, मिस्टर गुप्ता जी थे, और उन्हीं से हम जानने की कोशिश कर रहे थे और उन्हीं से हम ये बात किए। और फ्रेंड, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल जीके हम सफ़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर जो आप हमारे ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।